तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है, आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से जमीन जगह सब लेकर के कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है। लगभग 30-40% जनसंख्या डेमोग्राफी यानी डेमोग्राफी चेंज हो गया है। आज मैं बहुत ही हृदय विदारक बात भी आपको बताना चाहती हूँ और जिस तरह से संथाल परगना जल रहा है यह भी मैं बताना चाहती हूँ और संथाल परगना का जलने का कारण भी है कि पूरी तरह से साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका ऐसे जो जिला है कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का परिवर्तन दिखाई दिया है। आयोग जिस तरह से आम व्यक्ति से सामाजिक लोगों के साथ में बैठक करके और जनता के आवाज़ को सुनी है, साथ ही छात्रावास का निरीक्षण किया है और जिला प्रशासन के साथ जो बैठकें हुई है उस बैठक में सारे विषय सामने आए हैं, उन विषय को मैंने आपके सामने में रखा है और इसलिए इस विषय को रखते हुए मैं बहुत कह सकती हूँ कि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं साहेबगंज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बरहेट प्रखंड का बरहेट संथाली उत्तर, बरहेट का कदमा पंचायत, बरहेट का गोपालडीह पंचायत, ये तीन पंचायत जहाँ की बेटियाँ हमारी मुखिया है आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से जमीन जगह सब लेकर के कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। उसी तरह से मैं साहेबगंज का और एक प्रखंड है उधवा, जिनका पंचायत है दक्षिण बेगमगंज, वहाँ भी हमारी बेटी आदिवासी बेटी मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से राजमहल का लखीपुर ऐसे पंचायत है, लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। ऐसे बढ़रवा का सतगाछी, मधुआपाड़ा और मयूरकोला ऐसे तीन पंचायत है, तीनों पंचायत में हमारी बेटियां मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से साहेबगंज जिला का एक बरहेट प्रखंड के फूलभंग पंचायत समिति की सदस्य है, बेटी भी आदिवासी है, पंचायत समिति सदस्य है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से मोनिक हमारा जिला परिषद की सदस्य है, हमारी बेटी है जो जिला परिषद की सदस्य है पर उनका पति भी मुस्लिम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, लगभग 30-40% जनसंख्या डेमोग्राफी यानी डेमोग्राफी चेंज हो गया है। इसका उदाहरण और नाम हमने इसलिए उस प्रखंड और उस पंचायत के बारे में बताया है, उसका सर्वेक्षण निरीक्षण आप भी कर सकते हैं और वो सामने तथ्य को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो जमीन का बिक्री किस आधार पर हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। साहेबगंज का ऐसे गांव है जहाँ के लोगों को आज जिस तरह से हम बात करते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो के, जिन्होंने 1855 का हुल क्रांति को लेकर के आए और उस क्रांति के साथ में देश और समाज को बचाने के लिए आज साहेबगंज एक हुल विद्रोह के लिए जाना जाता है, उसी जगह पर हमारा जो बेटी रोटी और माटी का जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बदलते डेमोग्राफी का एक कारण बनता है। जी मैं आपको बताऊं, रांची में आपका मांडर का क्षेत्र चले जाइए, आप गुमला में भीखमपुर जो है उनमें चले जाइए तो यहाँ भी इस तरह का स्थिति है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 30-40% डेमोग्राफी खत्म हो चुका है। मैं इतना ही नहीं, मैं वहाँ के लोकल मुसलमान लोग भी आयोग के पास आके मिले और वो भी बहुत परेशान है, इसलिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है। उन्होंने कहा कि हमारा हक और अधिकार को मैडम मारा जा रहा है और इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बात को आज आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।